नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। इंडिया बाहर हो चुका है टूर्नामेंट से, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन मैचेस बाकी हैं तो खेल रहे हैं। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि मतलब हर स्पोर्ट्समैन से मोस्टली रहता है, खास करके जिसके 1 बिलियन चीयर्स सपोर्ट हो रहा हो, कि प्लीज़ मैचेस हारने के बाद स्माइल ना ही दिखाएं, कैमरा मैन एटलीस्ट भाई स्माइल ना दिखाएं प्लेयर्स के चेहरे की, तो अच्छा लगता है। क्योंकि जब मैच हार जाते हो आप बुरी तरह से वर्ल्ड कप का, और अगर हंसते हुए चेहरे दिखाई देते हैं यहाँ पे घर पे, हम लोग निराश हो जाते हैं, थोड़ा सा वो ख़राब लगता है। बाकी चलो, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होता है, ख़राब खेली है इंडिया, डिज़र्व नहीं करती आगे क्वालिफाई करना, और वही हुआ भी है। आज का प्रेडिक्शन देख लेते हैं, इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान का, ये रही दोनों टीमें। अफगानिस्तान के कप्तान की तरफ से कॉल, हेड स्काई, प्लीज़ रियल में तो जीतते हैं नहीं, यहाँ भी हार जाएँ तो अच्छा है, पता था यहाँ जीतोगे भैया। बॉलिंग ले रहे हैं हम लोग, रन चेज के लिए जाना चाहता है इंडिया इस वक्त, इस मैच के लिए। अब बाकी टीमें वीक हैं तो चांसेस डेफिनेटली आप हैं जीतने के। मैच का होता हुआ आगाज, अफगानिस्तानी ओपनर्स हैं जजई और सज्जाद। गेंदबाजी की बात करें तो इंडियन कप्तान ने अभी गेंद दी है बुमराह। अब पलड़ा तो ऐसा है कि 20 ओवर में ऑलमोस्ट ऑल आउट के करीब पहुंचा सकते हैं 6-7 विकेट, लेकिन अफगानिस्तान बहुत बढ़िया फॉर्म में, जीत जाता है तो मैं नहीं मानूंगा कोई चमत्कार है, क्योंकि इंडियन टीम तो बहुत ख़राब खेल रही है। अगर आप सेकंड ओवर में 50 ओवर वाला स्टेमिना दिखा रहे हैं थका हुआ गेंदबाज, तो उससे ख़राब कुछ नहीं होगा। टीम हमारी पिछले मैच वाली है दोनों टीमों के लिए, ये बताना रह गया। लेट्स गो, आउट स्विंग, पहली गेंद, चार, जजई का चौका, गेंद की पेस थी 152/4। पुटुप्ले ने पूरी तरह से इंडिया का फेवर किया है, 15 में सिर्फ 89 इस गेम के हिसाब में, अगर मेगा से अगर कई बार तो 15 में 120 130 बनते हुए भी देखें, तो मुझे लगता है आज अफगानिस्तान जो स्कोर बनाएगा इंडिया वन साइडेड चेज कर सकता है, अगर ये 5 ओवर ख़राब नहीं रहे तो। बैटिंग में खेल रहे हैं अफगान, अच्छा खेल रहे हैं, एटलीस्ट टिके हुए हैं, और गुलाबुद्दीन नाइब अभी अभी आए हैं, विकेट 3 बुमराह 2 शमी। 15 ओवर के बाद जो फील्डिंग सेटअप आया उसी के साथ जा रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं हमारी तरफ से। 2 का मौका, एक्चुअली रन आउट का चांस, पहली ही गेंद तो निकाल लेंगे। नाइप पुल शॉट, ये बेहतर लगाया है 4 के लिए, गैप एक ही था खाली स्क्रीन का, बेस्ट पार्ट की मिड विकेट नहीं गया, मिड विकेट थोड़ा मुश्किल होता, पुल किया बेहतरीन चौका। फ्लिक कराते हुए बाहर की तरफ, फ्लिक के रूप में रन तो लेंगे अफगानिस्तान का, ये फंडा मुझे अच्छा लगा, रन लेंगे, इससे पहले भी क्लोज सिंगल निकाले। टॉस टीम का प्लान काम नहीं किया है, बैट का फेस खुला होने के कारण गली में से एज लेके 4 गई है, रोकना नामुमकिन। 7 गेंदे, 13 रन, इनसाइड एज, लक भी दे रहा है 7, एक रन लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं कर पाए। गुड लेंथ गेंदे, पुल शॉट, एक 4 ऑलरेडी लगा चुके थे, इस बार एक ही मिला, क्योंकि पुल शॉट के बाद बॉडी लैंग्वेज सही करना, रनिंग करना एक ही पॉसिबल हो पाया। 39/34 कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से बेस्ट, और ये लीजिए 100 का स्ट्राइक रेट के और करीब पहुंचेंगे, चौका कवर की पोजीशन से, 38 पे पहुंचते हुए अफगान। वरुण चक्रवर्ती द मिस्ट्री बॉलर, ओ इनको कोई खेल नहीं पाता है, इनको टीम में जगह मिली है, गुलाबुद्दीन नईब ने मार दिया है पहली गेंद पे चौका। इनके चक्रव्यूह में बड़े बड़े प्लेयर फंस चुके हैं, इनके चक्रव्यूह में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इस साल 2021 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी मिस्ट्री होने वाले हैं। 4 रन, एक और पड़ता हुआ नईब की तरफ से, फाइटेड गेंद, 11/23 एजेस, चलो इस बार मिस्ट्री काम की है थोड़ा बहुत, शॉट अच्छे थे पहले दो, कोई बुरा मत मानना, तो तेज करने का प्लान है। एज, ओ क्या शॉट है, क्या शॉट है, मतलब गए फिर रूम के लिए जगह बनाई, फिर हल्का सा एज लगाया है, रूम दिलाया है, 4 रन स्लिप में से, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, 13 रन तक पहुंच गया स्कोर। ये लीजिए, स्ट्रेट में फील्डिंग है ही नहीं, क्योंकि बदल रहा है ये अपने आप से फील्डिंग बदल रहा है, मैं बता दूं मैंने कोई फील्डिंग चेंज नहीं किया है। आकार के गुगली डाल रहे हैं, पुली मारेंगे नहीं, पॉइंट पे मारा है, रनिंग देखनी होगी, 5 चौकों के साथ ही ओवर समाप्त। अफगान के 50/43 गेंदों में जो बंदा 100 का स्ट्राइक रेट नहीं लग रहा था, 116 मार गया स्ट्राइक रेट से, 3/16 पुल शॉट, भाई बेस्ट। अरे फील्डिंग कैसी बदल दी, मैंने एक्चुअली ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि पिछली बार अलग थी, फिर बदल दी, चेंज करके बकवास फील्डिंग लगा दी। अफगान एजेस, एक ही रन सिर्फ, आखिरी और ये गेंद किनारा लेने से बची, बैट पैर के बीच से निकलती हुई कीपर तक बिना एज के, अपील, ऑफसाइड हो सकता है, इंपैक्ट मैं डीआरएस ले रहा हूं, लेकिन
इशारा तो कर दिया कोहली ने, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। ओ पिचिंग लाइन इंपैक्ट, अंपायर्स कॉल, विकेट हिटिंग, अरे यार इंपैक्ट हुआ, नॉट आउट था, नॉट आउट रहेगा। ओवर अच्छा गया क्योंकि पिछला ओवर बहुत खराब था। लीजिए तारीफ की और लास्ट गेंद पे चौका नाइप की तरफ से इस बार चक्रवर्ती को फिर से ले आया एआई। ओ पहली गेंद एज, 155 तक जा सकते लेकिन पहली गेंद मिस कर गए तो, और दूसरी पर भी कुछ बड़ा नहीं। डॉट गेंद दो, 46 पे 51 आगे क्या स्विच हिट, तीन गेंदे डॉट हो गई, जहाँ पांच चौके पड़े थे यहाँ तीन डॉट। शॉक में, अरे गेंदबाज शॉक में है क्या, अरे बाप रे कितने दुखी हो रहे हैं भाई, अच्छी गेंदबाजी कर रहा है तू अफगान। ओ कैच ड्रॉप, चार गेंदे डॉट साथ में, इस पे तो मार ही लेगा, पांच डॉट, अरे भाई मुझे समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, गेंदबाज का चेहरा दिखाओ। हाँ इस बार थोड़ा सही आया है, इस बार सही है, अरे चार नहीं गया भाई, ये क्या है अनबिलीवेबल। मैडम जा रही है क्या, अरे नहीं लास्ट गेंद पे सिंगल किसी तरह से, 143 143 पे रुकता अफगानिस्तान। पिछली ओवर में 21 रन, इस ओवर में 1 रन, तो इस तरह से रहा इनिंग। अच्छा कम बैक जहाँ पर हालात थे 89, यहाँ पर 143 मार के गई है। अब मैच समरी कुछ इस तरह से, 144 मैं तो कहूँगा इंडिया के फेवर में ही है अगर 15 ओवर में कुछ डाउन नहीं हुआ तो, और हो जाए तो भी मेरे ख्याल से अभी कुछ गम नहीं है, ये तो किस्मत का ही है भाई वो हिस्सा। इंडिया की तरफ से शर्मा और राहुल, लास्ट टाइम गवास्कर जी ने भी कहा था कि आपको रोहित शर्मा विश्वास नहीं है कि बोल्ड के सामने नहीं खेल पाएगा, क्यों नंबर 3-4 पे भेज रहे हो उसको। हमीद हसन गेंदबाजी में, पहली गेंद ग्राउंड शॉट वापस भागे डॉट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। मेरे ख्याल से 12 ओवर ठीक है, कुछ ज़्यादा ही अग्रेशन दिखा रहे हैं 10 ओवर के बाद से, 89 मार लिए थे फिर उसके बाद 101 मार लिए, 5 ओवर मेरे पास हैं, रिमेनिंग स्कोर मुझे कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। शर्मा और किशन खेल रहे हैं, नबी और हसन ने विकेट निकाले, गेंदबाजी में नबी मिड विकेट खेलने की कोशिश, गैप मिला है क्या, दो हैं इस पिच पे, नहीं पहली गेंद पे तो नहीं लगा, स्ट्रेट तो नहीं लगा। शर्मा अभी भी क्रीज पर है, ओ पहली गेंद नबी की समझ से परे, बीट हुए बुरी तरह से, फाइनल खेल सकते हैं अगर कॉन्फिडेंस हो तो, खेला है उसी दिशा में स्क्वायर फाइनल की तरफ ही, चार नहीं मिला है, तीन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा 43 गेंदों में, लेकिन अब चाहिए 37। लॉपटेड का सोच रहे हैं और सोच में ही रह गए, नबी की फिरकी में फंस गए किशन, दे गए आउटसाइड एज, कीपर ने किया कैरी, नहीं कोई ड्रॉप, इजी कैच था, इजी कैच था, इजी कैच था, पेस नहीं था ना गेंद का, और पंत को जो कैचेस आए थे बहुत तेजी से आए थे, उसमें कुछ समझ में नहीं आया, जब छूट गए उसके बाद मैं बोल पाया कि कैच छूटा है। किशन 6 पे आउट, रशीद खान हम तैयार फिर से फाइन लैग, फिर से इस बार तो बहुत वाइड गए, इस बार तो कन्फर्म 4 है, लास्ट टाइम मिस कर गए थे, इस बार चौका एंजॉय करिए, लेकिन सामने खेलने की इच्छा और भारी पड़ गई क्योंकि मिड ऑफ आ रहा है, कैच ड्रॉप ही बचा सकता है ये विकेट गिरने से, लेकिन वो हुआ भी नहीं है, वो देखने को नहीं मिला है, और शर्मा भी आउट होते हुए, पहला ही लॉपटेड शॉट था सामने की तरफ, रशीद का शिकार बन गया। अच्छी पारी खेली है 46 में 68, आउट हंत नहीं छोड़ने वाले पक्का, अरे पर है दमदार शॉट है, 4 रन बंद फिर से, अब ये एक जैसी गेंदे डालेंगे तो पड़ेगी ना कभी, देर सवेर आपको पड़नी वाली इस लाइन पे, इस बार बच गए तो अगली बार पड़ेगी, 3 ले रहे हैं, गलती लग रही है, बच गए, डायरेक्ट हिट नहीं लगा इसलिए 3 रन। नबी इस वक्त लास्ट टाइम हमने कोशिश की थी इनको हिट करने की, बड़ा गलती साबित हुई थी यहाँ पर भी, ओ खुद सामने आ गए स्टंप्स के, बचा लिया पंत का भी, की दिशा ठीक है लेकिन शॉट गलत रह गया, गेंदबाज की दिशा सही थी, अब साइड से गेंदबाजी कर रहे हैं, अब सीज बहुत समझदार हो गए हैं, उन्होंने पूरी तरह से ऑफ साइड आना पसंद किया है, और देर सबेर ये होना ही था, जिस तरह से मैं क्विक सिंगल्स निकाल रहा था ना, ये तो होना ही था, आउट ही हैं, पंत इज गॉन, क्विक सिंगल के चक्कर में एक और विकेट हम गंवाते हुए, 8 में 12 चांसेस तो अभी मैं कहूंगा बहुत, पंडिया भी गॉन, ये बिल्कुल भी हिस्सा नहीं था सोच का, प्लान का हमारे कि हाँ अभी आउट हो जाएगा अगला बंदा अगली गेंद पे, व्हाट कैच एंड बोल्ड, फील्डिंग तो माननी पड़ेगी, बहुत बढ़िया क्या शॉट आज किसने मारा, ठाकुर ने, लॉर्ड तो भाई छाए, अब फाइनली छाते हुए, बहुत बढ़िया क्योंकि शॉट लगी नहीं है, मेरे सिर्फ फाइनल एक लॉफ्टेड शॉट लगे हैं,
बाकी हर तरफ हम कैच आउट ही हुए हैं और ये पॉइंट पे हिट किया। फिर से एक बार होल्ड कराया, हमने भी होल्ड करके मारा, ये उतना बेहतर तो नहीं है। और कैच ड्रॉप हुआ है, मैं रन ही दौड़ा है, मुझे अच्छी चार लग रहा था, ये फील्डर रेंज में आ गया, संभाल गए। फिर से वही गेंद, कोई का ओ कितनी तेज, 96-97 पेस, 6 लगा सकते हैं और ये 6 है भी। इंडिया ने मैच जीत लिया है, फाइनली पहली जीत हासिल की है और ये है वो विनिंग शॉट। चड्डू के पास था मौका क्योंकि गेंद आ गई थी पूरी फुल लेंथ, बस मारना ही था, जगह सामने खाली भी थी क्योंकि 38 पे ही फील्डर था एक, लगा दिया, जिता दिया। इंडिया की पहली जीत आती हुई T20 वर्ल्ड कप की, लेकिन सफ़र पूरा हो चुका है। तो ये रहती हुई मैच समरी, शर्मा जी ले जाएंगे मैन ऑफ द मैच। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली नबी की तरफ से, बैटिंग में शर्मा ही रहे सबसे बढ़िया, बाकी राहुल कोहली पंत 15-21-18-12 कुछ खास नहीं है स्कोर। देखते हैं, प्रेडिक्शन वीडियो तो कह रहा है इंडिया जीत रहा है। इससे पहले क्रिकेट 19 का प्रेडिक्शन सही रहा था, हारी थी, उसके बाद RC20 और मैंने वो हर बार एक दिन पहले जो खेला था वो मैच हारी थी इंडिया। मेरा क्रिकेट 19 प्रेडिक्शन जब आया था इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का, उसमें एक दिन पहले हारी थी, न्यूजीलैंड में एक दिन पहले हारी थी। अब देखो इस वीडियो में क्या आता है, बाकी भरोसा है नहीं, अफगानिस्तान हरा भी सकती है। फॉर्म अफगानिस्तान का फॉर्म देख के और इंडिया का आउट ऑफ फॉर्म देख के कह रहा हूँ, देखते हैं कुछ घंटों बाद पता लगेगा। अभी के लिए ले रहा हूँ विदा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रीम में, ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टाटा, गुड डे।